बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ नरमा दिल कोफ्ते या कोफ्ता नरमा दिल। इसके अंदर आप आलू भी डाल सकते हैं और इसके अंदर उबले हुए अंडे भी आप शामिल कर सकते हैं। एंड में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये ना ही टूटेंगे और इतने नरम बनेंगे कि आप ऐसे तोड़ेंगे हाथों के साथ ये टूटते जाएंगे, इतने नरम ये बने थे। और ये कैसे बनेंगे ये आप वीडियो पूरी देखें, आपको सारी समझ आएगी और मैं आपको बताती रहूँगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा ले लिया। कीमा आप मटन या बीफ का अपनी पसंद से ले सकते हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याज ले ली थी, उसका मैंने कद्दूकश करके उसका पानी निकाल लिया था, वो मैंने जोड़ के अच्छी तरह इसके अंदर शामिल कर दी। मीडियम साइज़ की प्याज थी, 3 टेबलस्पून मकई का आटा और 1 टीस्पून बादाम का पाउडर मैंने इसके शामिल किया था, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, नमक अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला। ये सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी थी। इसको हम थोड़ी देर के लिए चॉपराइज कर लेंगे ताकि अच्छी तरह ये कीमा जो है वो पिस जाए और बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये देखें ये बिल्कुल बारीक है। इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब इसको बाउल में निकाल लिया है मैंने। अब इसके अंदर मैंने 1/4 कप या 1/4 कप से लेकर 1/2 कप तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इसको मिक्स करेंगे, हमने इतना इसके अंदर पानी डालना है कि ये हल्का सा लिक्विड सा हो जाए, हल्का सा बल्कि ज़्यादा नहीं। ताकि ये ट्रिक है एक, इससे कोफ्ते बहुत नरम बनते हैं। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने 1/4 कप इसके अंदर पानी का शामिल करके इसके अब मैंने कोफ्ते बना लिए हैं और इसके अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखेंगे माशाल्लाह काफ़ी सारे आधा किलो कीमे से कोफ्ते बन चुके थे। इस स्टेज पर आप इस कोफ्तों को एक जार में या डब्बे में डालकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल का ले लिया था या घी ले लें। उसके अंदर 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया था ब्लेंडर में। और ये देखें हमने इसको इतनी फ्राई करना है कि इसका कच्चापन एक तो ख़त्म हो जाए, उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जितना आप खाते हैं उतना इसमें शामिल कर दीजिएगा। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम मसाले शामिल करते हैं। मैंने पानी शामिल नहीं किया, इसके अंदर मैंने 1 कप दही का शामिल कर दिया जितना फेंट कर। और ये है जी पिसा धनिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और नमक और लाल मिर्ची अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह भूनना है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह इसका मसाला हमने भूनना है ताकि इसमें से ऑयल अलहदा हो जाए। फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देना और सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए बगैर ढके हमने इसको पकाना है मीडियम से लो फ्लेम पर और हमने चम्मच नहीं हिलाना। फिर इसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी का शामिल कर दिया था और इसको हमने ढक देना और मीडियम से लो फ्लेम पर तकरीबन हमने इसको 10 मिनट के लिए कुक करना ताकि कोफ्ते जो है हमारे अच्छी तरह गल जाएं। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको मीडियम से लो फ्लेम पर इसको रखा था और उसके बाद ये इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार कोफ्ते बने थे। ग्रेवी जितनी आपने रखनी हो आप उस हिसाब से भी पानी शामिल कर सकते हैं। एंड में इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें और गर्म मसाला 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया था। ये है जी इसकी फाइनल लुक। इसके अंदर आप आलू भी शामिल कर सकते हैं जब कोफ्ते डालें और एंड में आप इसके अंदर उबले हुए अंडे भी शामिल कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।